चले आए भारत को आप दुनिया दिन से खो गए। चले आए भारत को आप दुनिया दिन से खो गए। सुचारू जिंदगी के दिन मैं किसी के आपने बिल्कुल भी किसी की सलाह ना ली और आप एक बार बोलने पर ही यहाँ पर चले आए। हैं भैया भरत, तुम इस तरह ना रहो, मुझे भी बहुत दुख होता है। ना कुछ तुम पर गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई।
नहीं आए? है भैया, पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। भैया क्या हुआ? राज करें। ए भैया नहीं, अब मैं अयोध्या नगरी नहीं जा सकता। ए भैया, हे पुत्री, तूने कर दिए दोनों वंश पवित्र। आज सुनैना हो गया मेरा चित्र चली। तुमने इस चरीला रन लीला यही रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। आओ भैया जी, हे रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण, रघुपति नायक रघुराई, छोटे आए सर नागत को, बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पछताता, शत्रुघ्न और हम दोनों भाई इस वन में रहेंगे। आप अयोध्या चलिए, वहां चलकर राज कीजिए।
भैया भरत तुम ये क्या कह रहे हो, सुन लो मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में है भरा प्रेम प्रीत का भाव, माता की और भावना देखो इनकी अति प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है, उनकी वज्जा ने किया क्या उन्नति का पद दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र कहलाती है, हम क्षमा करें माता को माता तो कुछ निष्कंठनी है, हम अपने चारों पुत्रों की वह जगदम्बा जगजननी है, हे राम हम स्वयं और श्री जनकराज अब मान बड़ा है केकई का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध समा अब केकई का, केकई तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ, हेलो ए भैया राज्य करे लोटे अब पकड़े हाजल का हाथ, नहीं मिला इस प्रसन्न का उत्तर कुछ रघुनाथ, है भैया शत्रु यह बात अब कैसे हो स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार, तो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से कर सकते हैं, उसका टलना चंचलता है निज आत्मा की दुर्बलता है, वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंच जाता है राग कुछ उसके आगे यह मार्ग बड़ा सुधाता है।